हेलो स्टूडेंट्स, हमने नरेंद्र अवस्थी स्टार्ट की थी एंड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में भी चल रहे हैं और हमने समथिंग 13 से 14 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल होमवर्क की तरह दिए थे, आज मैं उनको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रीड कीजिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मोलिकुलर वेट 40, विच शुड बी डिजोल्व इन 57 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता चल गया कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। फिर आपको बोला है कि आपने क्या क्या है, जिसका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। विच शुड बी डिजोल्व इन 57 ग्राम ऑक्टेन, जिसको आपने 57 ग्राम ऑक्टेन के अंदर डिजोल्व किया है। और जिससे डिजोल्व करने पर, जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, तो वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हो गया, 80% तक का डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से लाइन मेन है, ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है ये मेन लाइन है यहाँ पर। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, जो एक्चुअल था उसका 80% रिड्यूस हो चुका है। तो ठीक है, चलो आओ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो आपको किसी सॉल्यूट का मास निकालना था, और मैंने आपको बताया है जब भी आपको मास निकालना हो, मोलिकुलर मास निकालना हो, ठीक है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो सॉल्वेंट है पी नॉट, प्योर जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर 100% था। ठीक है, मैं कितना मान के चल रहा हूँ, 100% था। अब उसने बोला है कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, वेपर प्रेशर में 80% का डिक्रीमेंट आ गया। कितना डिक्रीमेंट आ गया, 80% का डिक्रीमेंट आ गया है। तो बचा कितना, बचा 20%। कितना बचा, 20%। मतलब कि जैसे ही आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था, उसका आपने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो कितना डिक्रीमेंट आ गया, 80% का डिक्रीमेंट आ गया। तो बचा कितना, पी नॉट माइनस पी एस, तो पी नॉट माइनस पी एस बचा 20% बचा है। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, अपॉन पी एस, तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई। आपके पास क्या था, स्टार्टिंग से बात करते हैं, आपके पास पी नॉट, मैं मान के चल रहा हूँ कि पी नॉट मेरा था 100%। ठीक है, मैं कितना मान के चल रहा हूँ, 100% मेरा प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर था। उसने ये बोला कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, तो उसमें कितना का डिक्रीमेंट हो गया, 80% का डिक्रीमेंट हो चुका है। मतलब कि सॉल्यूशन बनने पर 80% का डिक्रीमेंट हो चुका है। तो बचा कितना, पी नॉट माइनस पी एस कितना बचा, 20% बचा। कितना बचा, 20%। तो पी नॉट माइनस पी एस आ गया आपका 20% लिख सकते हो आप भले, ठीक है, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और पी एस कितना आ गया, सॉल्यूशन कितना था, पी एस देखो 80 था, तो 80 लिख दिया आपने। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस तो हो गया आपका 20, और पी एस कितना हो गया, 80 हो गया। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलिलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है, मोलिलिटी क्या होती है, मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, मोलिलिटी आपको पता है, मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पता, हमें उसने क्या बोला है, आपको जो सॉल्यूट है उसका गिवन मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सही है, ये हो गया। तो ये हमने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमने यहाँ लिख दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर उसने क्या, फिर आगे क्या आता है फॉर्मूले, मोलिलिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में, केजी में, तो इंटू 1000 करोगे आप। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख के आप 1000 करोगे ऊपर। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर बचा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ही एज इट इज, और नीचे का 1000 एज इट इज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन तैयार। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी वैल्यू पुट करोगे तो कैसे करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात रही मोलर मास, मोलर मास किसका था, मोलर मास था सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है इसको सॉल्यूट का मोलर मास है 40। ठीक है, फिर उसने बोला है कि अपने इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को 57 ग्राम का जो 57 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया है, तो 57 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 57, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा अपॉन 1000। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 5 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा न्यूमेरिकल। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा लेंदी होता है न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा सिंपल होता है न्यूमेरिकल, याद रखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोला इसने, इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी एंड फॉर्म वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने कुछ सॉल्यूट को ए और बी सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, तो जो सॉल्यूट को ऐड किया वो भी इक्वल वेट में है, और जो जिस सॉल्वेंट में ऐड किया वो भी इक्वल वेट का है। ठीक है, तो वेट की तो दिक्कत ही खत्म हुई। नाउ अब क्या बोला है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन बी हैज़ ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन ए। मतलब कि बी के वेपर प्रेशर में, बी के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जितना डिक्रीमेंट होने वाला है उसका 2 टाइम्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए के अंदर होगा। फिर यह बोला है, इफ एम ए एंड एम बी आर द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली देन। ठीक है, फिर आपको एम ए और ए बी में, एम बी में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए उसने क्या बोला था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए। तो हमने लिख दिया, देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लिख दिया हमने बी का, वो कितना है, ट्वाइस ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए है। ठीक है, यही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्या बोला इसने, अब देखो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़, अब आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के क्या होता है। देखो इसने कौन सा बोला है, इसने मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हो आप, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इजल टू क्या हो गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों मैंने यही लिखा है, क्योंकि उसने बोला है डायल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप, डायल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हो। क्वेश्चन में गिवन है ये, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है डायल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पर जो आपके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सॉल्वेंट के कंपेरेटिव क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए हमने नीचे क्या लिखा, ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिखा है। ठीक है, अब देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, देखो सॉल्यूट से हमें रिलेशन नहीं निकालना, हमें सॉल्वेंट से रिलेशन निकालना, इसलिए हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब यहां से डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा है, अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, डायरेक्ट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है, तो मैं बोल दूं एम बी मोलिकुलर मास ऑफ बी सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम ए हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहां से आप यहाँ पुट कर सकते हो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या हमारे पास, आपको बोला है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, उसका मोलिकुलर वेट है 40, इज 100 टोर। मतलब पी नॉट ए दे रखा है आपको, कितना, 100 टोर दे रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, वाइल डेट ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी नॉट बी कितना दे रखा है आपको, पी नॉट बी दे रखा है 40 टोर दे रखा है, और जिसका मोलिकुलर वेट कितना है, 80 है। फिर इसने ये पूछा है हमसे, द वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ इच ए एंड बी इज, मतलब कि आपको क्या निकालना है, पी एस या फिर पी टोटल बोल दो आप, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, जहां पर आपने क्या किया है, 20 ग्राम ऑफ इच ए एंड बी को क्या किया है आपने, डिजोल्व किया है। मतलब कि 20 ग्राम ए को आपने 40 ग्राम लिक्विड ए में डिजोल्व किया है, 40 ग्राम मोलिकुलर वेट वाले लिक्विड ए में डिजोल्व किया है, और 20 ग्राम बी को ही आपने 80 ग्राम मोलिकुलर वेट वाले बी के अंदर डिजोल्व किया है। भाई ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी टोटल हमें निकालना था। ठीक है, पी नोट ए उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कितना है, 100 टोर है, हमने लिख दिया 100 टोर। एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 40 दे रखा है क्वेश्चन में। एक्स बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी। ठीक है, अब पी टोटल निकालना है तो इस सबको सॉल्व कर लो आप, तो आपका पी टोटल आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा 100 का 100 पी नोट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो गिवन मास कितना था, उसने बोला है 20 ग्राम ईच आपने ए और बी को ऐड किया है, तो 20 ग्राम क्या हो गया, गिवन मास हो गया ए और बी दोनों के लिए। तो ए का गिवन मास भी 20 हो गया, ए का मोलिकुलर मास कितना है 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ए आ जाएगा। इसी चीज़ को हम नीचे पुट कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गया और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, पी सॉल्यूशन का 82 आएगा। कितना आएगा, 82 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपके पास दो लिक्विड है, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडल सॉल्यूशन। दो लिक्विड है जो आइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं एट 300 केल्विन टेम्परेचर। फिर आगे बोला है इसने, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mm ऑफ Hg। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ए है और 3 मोल क्या है, बी है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 550 mm ऑफ Hg है। फिर इसे बोला है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। इसी टेम्परेचर क्या है कि आपने 1 मोल बी एड कर दिया सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mm ऑफ Hg। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो क्या हो जाएगा, 10 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो गया। फिर क्या बोला इसने, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द इन देयर प्योर स्टेट। मतलब कि आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है। ठीक है, तो आइए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए, जब 1 मोल ए और 3 मोल बी था, जब सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ए और 3 मोल बी था, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था, 550 था। तो इक्वेशन बना लेते हैं, देखिए 550 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन में निकालना आता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ए के थे 1 मोल और टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 3 तो 4 हो गया। ठीक है, प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4, ये निकाल लिया। अब जिसने बोला है कि सॉल्यूशन में आपने 1 मोल बी ऐड किया, जैसे ही 1 मोल बी ऐड किया तो नई क्वेश्चन किसके लिए बनेगी, जब 10 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नई क्वेश्चन बना दी हमने, 560 टोटल वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का, इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब ए कितना होगा, क्योंकि आपने सॉल्यूशन में क्या किया, 1 मोल बी ऐड किया है, मतलब कि सॉल्यूशन में अब बी के पहले तो 3, फिर आपने एक ऐड किया बी को, तो टोटल बी के मोल्स हो गए 4। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, तो अब बी कितना होगा 4, तो 1/5, तो एक्स बी एक्स से क्या आ गया, 1/5। ठीक है, तो इस तरह से एक्स बी क्या आ जाएगा, 4/5। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या करना है, अब आपको इक्वेशन 2 - 1 करना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास पी नॉट ए और पी नॉट बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस करना है, आपके पास आंसर तैयार है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या, हमारे पास आपके पास दो लिक्विड है, ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन द रेशियो, सॉरी वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन द रेशियो पी नॉट ए पी नॉट बी इज 1:3 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। मतलब कि पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो दिया है आपको 1:3। फिर आपको बोला है, एज्यूम ए एंड बी फॉर्म एन आइडल सॉल्यूशन एंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज इज 4:3। मतलब कि आपको क्या देखा है, ए और बी का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन देखा है, मतलब का वो वाई अपॉन वाई भी कितना देखा है, वाई अपॉन वाई भी देखा है, 4/3 देखा है। फिर उसने पूछा है कि देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कि अब क्या निकालना है, आपको एक्स बी निकाल के देना है इनको। ठीक है, तो एक्स बी निकालते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू डाल्टन लॉ कर देंगे। जैसे ही राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू डाल्टन लॉ करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, और बी के लिए बनाओगे तो क्या बन जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। जब इसे सॉल्व करोगे क्या करो, इक्वेशन 1/2 कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 1/2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या क्या आ जाएगा,
आपके पास आ जाएगा वाई अपॉन वाई बी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी नोट बी एक्स बी। ओके, अब उसने रेशियो दिया है, उसने दिया था पी नोट ए पी नोट बी का रेशियो दिया था, ये कितना रेशियो दिया था, इसका रेशियो दिया था 1/3, दे दिया 1/3। ठीक है, फिर वाई अपॉन वाई बी का रेशियो दिया था 4/3, ये भी आ गया 4/3। अब इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/1, तो इसको आप उल्टा कर दोगे तो एक्स बी अपॉन एक्स ए कितना हो जाएगा 1/4। अब ये एक्स बी अपॉन एक्स ए का रेशियो आया, अभी आपको क्या निकालना है, आपको एक्स बी को निकालना है, आपको क्या निकालना है, एक्स बी टोटल कितना है आपको वो बताना है। ठीक है, सिर्फ एक्स बी बताना है, ये एक्स ए और एक्स बी का रेशियो है, तो एक्स बी निकालते हैं। एक्स बी कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप क्या करो, एक्स बी की जगह लिख दीजिए 1 माइनस एक्स ए। जैसे ही आप ये पुट करोगे यहाँ पर और इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक्स से अलग आ जाएगा और एक्स बी का आंसर अलग आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा समथिंग, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा समथिंग 1/5 आ जाएगा एक्स ए और 4/5 आ जाएगा आपका एक्स बी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आई होप आप इस न्यूमेरिकल को इजिली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।